डिफरेंस बहुत है सर, 14-15 हज़ार के नाम पे चलिए। तो हमारे पास मैं भी बोलना चाहता हूँ सर, मैं आपकी से राणा बोल रहा हूँ सर। हमारे भी एक सर, वो तो बात ठीक है कि हमने प्रोवाइडर दिया है, लेकिन हमारे कुछ काफ़ी मतलब कुछ अकाटी से हैं कि फैक्ट्री में जे ओ आई टी से हैं, जिनका 1-10-2000 जिनको 2 साल का राइडर भी कम्प्लीट हो चुका है। लेकिन सर हम आपके और आदरणीय जयराम जी से यही विनती करते हैं कि वो हमारी जियो आई टी की मीटिंग 2 साल की राइडर की जिनकी कम्प्लीट हो गया सर, उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जरूर करवा दें, ताकि हमें वो स्केल भी मिल जाए और आने वाले खाते को मिले, सभी को बेनिफिट हो, सभी को बेनिफिट, सभी सभी एक बार सभी को आपके जो आप संख्या बल देते हैं सर, ये हमने कोई भी नहीं पाया, सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से हमने सबसे आग्रह किया था और साथ ही खुद स्वेच्छा से आए हुए हैं। मैं एक बात के लिए आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि जैसे ही 2 साल के राइडर वालों की नोटिफिकेशन होगी, डॉक्टर साहब एक हफ्ते के अंदर शिमला में हम काफ़ी बड़ा लेकर आपको धन्यवाद देंगे। मैंने कहा जब जेसीसी की बैठक हुई थी, पे कमीशन पर फैसला भी आने वाला था, तो उस समय राइडर से संबंधित विसंगतियों पर क्या चर्चा हुई थी? हाँ बिल्कुल हुई थी, ये प्रोसीडिंग हमारे हाथ में है, इसमें साफ लिखा हुआ है जो हमारे साथिया है, उन्होंने प्रश्न पूछा था, तो ये आप पढ़िए, ये जियो का प्रश्न था है ना, इसमें साफ जो द मैटर वाज डिस्कस एंड इट वाज गैदर्ड दैट द इशू विल बी सब्सूम इन द प्रपोजल न्यू पे स्केल एज बोथ द कैटेगरी विल फॉल फॉल्स अंडर लेवल 3 ऑफ न्यू पे मैट्रिक्स। आप पढ़िए क्लर्क और जियो, ठीक है आपका, ठीक है, नियमों में प्रावधान कुछ अलग था, 5 साल है उसमें सीधा जूनियर असिस्टेंट प्लेस करेंगे जियो को, जियो सुनना ध्यान से, उसमें राइडर कहीं भी नहीं है। इस इशू पे हम चर्चा कर रहे हैं, हम विस्तृत बताएंगे आपको और क्या हुआ, जो जो भी हुआ सब सभी साथियों को बताएंगे, आवाज तक पीछे से तक आ जाएगी मेरी, जो के सभी युवा कर्मचारी साथियों, डेजिग्नेशन इस किस विभाग से, मुझे लगता है कि यहाँ जियो क्लर्क फॉरेस्ट के कर्मचारी, रेवेन्यू या दूसरे सभी विभागों के कर्मचारी, हमने कल भी परसों भी आग्रह किया था आपसे सभी से कि 40-50 आए ज्यादा ना आए, फिर भी ठीक है, हम आपके जो चला हुआ है जो हालात है हम समझ सकते हैं कि अभी जो विसंगति है वेतन विसंगति आप लोगों के साथ ठीक नहीं हो रहा है, जितना भी जो अंतर आ रहा है 3 जनवरी 2022 तक जो साथी रेगुलर हो गए हमारे, जिनका पेमेंट राइडर कंप्लीट हो गया, वो तो हायर ग्रेड पे भी चले गए, मगर जो उसके बाद प्रोबेशन पे
पेमेंट राइडर पे कार्यरत कर्मचारी है वो बहुत नीचे फिक्स हो रहे, शायद 20-500। साथियों, हम आपको बताना चाहते हैं, हम लगातार इसमें प्रयासरत हैं। जो हमारे एचपी यूनिवर्सिटी से आए साथी, इन्होंने पूछा जो ये प्रोसीडिंग है मीटिंग, इसमें साफ लिखा है कि जेओ और क्लर्क बहुत कैटेगरी एक ही लेवल पे आते हैं। तो ये ऑन पेपर जो काम चला हुआ है, थोड़ा समय तो लगता, आप भी समझते हैं। अगर मैं सत्य कहूं तो मेरा जो पहला मुद्दा जेओ राइडर था, और मीडिया के माध्यम से भी बोले, दूसरे माध्यम से भी बोले, 15% था। जो भी हमारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मीटिंग हुई थी, अधिकारियों से मीटिंग हुई थी, जब जब भी हमारा वार्तालाप हुआ, हम अपने साथियों को कहीं भी नहीं भूले हैं। हम सदैव तत्पर प्रयासरत हैं और जल्द से जल्द हमारे साथियों के साथ जो वेतन विसंगति है इसको दूर किया जाए और हमारे साथियों के साथ न्याय। शुरू की बात चली राज्यों में, छठे वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हुई, उसके बाद थोड़ा हमें भी समय लगा एग्जामिन करने में, क्योंकि जब भी राज्यों में पे स्केल की जो सिफारिशें लागू होती हैं, उसमें हम तो कहीं भी कमेटी में नहीं होते, वो ब्यूरोक्रेसी लेवल की कमेटी होती है और बड़ा सीक्रेट होता है उसका कार्य। जैसे ही कमेटी की रिपोर्टें बाहर आई, 3 जनवरी को बाहर आई, 4, 5, 6 तक हम और हमारी टीम ने वर्कआउट किया कि हमारा कौन सा साथी कहां फंसा है, और ठीक 7 तारीख को हमने अपनी रिप्रेजेंटेशन बनाई कि सारा और सारे मुद्दे हमने गवर्नमेंट के सामने रखे। 8-9 को छुट्टी रही, 10 वर्किंग था, मौसम खराब रहा, उसके बाद लगातार हम कार्य करते रहे, चाहे बर्फ रहा चाहे पानी रहा, हमने आराम अपने घर में नहीं किया, हम अपने साथियों के हितों के लिए लड़ते रहे। और जो राइडर वाला मुद्दा है आप लोगों का, ये इस टाइम जो छठे वेतन योग की सिफारिशें हैं, इस वेतन योग में ये सबसे बड़ी विसंगति है, हमने भी एहसास किया। और हम इस विसंगति को हर पल दूर करने के लिए प्रयासरत हैं। एक एक राजनेता, माननीय मुख्यमंत्री महोदय हो, चाहे आपके अधिकारी हो, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हो, हमने एक एक अधिकारी से टेबल टॉक किया, फाइल टॉक किया, अंदर तक हमने इस पे कार्य किया। कुछ साथी कहते रहते हैं मीडिया कहीं मिली हो गया काम जी, अरे भाई फाइल तक आओ, अंदर तक आओ। और कुछ साथियों की वजह से ही ये ठीक है, इनिशियल जरूरी है, 1-1-12 में आई राइडर, 2014 में आई, तत्कालीन राज्यों में कौन सी सरकारें थी और कौन से कर्मचारी नेता थे उनको पूछिए। आज अपने बेनिफिट के लिए मेरे नौजवान साथियों का हित भी वो साधना चाहते हैं। ऐसे लोगों की मंशा हम अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ कभी भी पूर्ण नहीं होने देगा। आप आश्वस्त रहिए, हम लगातार वार्तालाप कर रहे हैं और सरकार से वार्तालाप हो रही है, हमारी टीम ऑन पेपर वर्क कर रही है कि कितने साथी है। बहुत ही जल्द जो राइडर नाम की चीज है, हम सरकार से नोटिफिकेशन करवाएंगे कि जो साथी हमारा 2 साल कंप्लीट कर गया उनको तुरंत हायर पे ग्रेड दिया जाए। ठाकुर साहब आगे बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। अश्विनी ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अश्विनी ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता, जिंदाबाद। आप विश्वास बनाए रखिए, क्योंकि आपके राज्यों के मुखिया बहुत ही शांत स्वभाव, न्याय प्रिय है। आज टूर पे है माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बाहर है, अगर यहाँ होते तो हम अवश्य आप लोगों की वार्तालाप करवाते। जरा ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और आएगा आपको हमारी जानकारी के अनुसार जो कार्य चला हुआ है, हमारी जो टीम लगी हुई है, बहुत जल्द आपको न्याय मिलने वाला है। जिंदाबाद।
आप कहीं भी ऐसा ना सोचिए कि आपकी मांग को पीछे हटाया गया। अब हम ऐसे तो नहीं है साथियों कि हर तीसरे दिन आप मीडिया पे आ जाए कुछ बोलने लग जाए। हम पहले काम करते हैं उसके बाद बोलते हैं। ये एक बार नहीं बार बार राज्यों के कर्मचारियों को हमने करके दिया है। अगर सरकार से कार्य लेना है काम लेना है तो आपके सबसे पहले हमारे अपने कर्मचारियों के आपस में समन्वय संबंध होने चाहिए। दूसरा आपके अधिकारियों के साथ समन्वय संबंध होना चाहिए। तीसरा आपके सरकार के साथ समन्वय संबंध होने चाहिए। आज के अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ में ये तीनों चीजें हैं और आप विश्वास रखिए कि बहुत जल्दी आप बाकी आप लोग आए बहुत बहुत धन्यवाद। दूर दूर से आए और भविष्य के लिए मैं एक आग्रह आपसे जरूर करता हूँ, अपील जरूर करता हूँ कि जब बुलाएंगे जब हमें जरूरत पड़ेगी कि नहीं यार हमारे इस कैडर के साथ इस कैटेगरी के साथ अन्याय हो रहा है हम बुलाएं तभी आए बाकी ना आए। क्योंकि यहाँ भी पुलिस परमिशन जिला प्रशासन की परमिशन बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है वो कंप्लीट करनी होती है। बाकी बहुत जल्द आप लोगों के साथ न्याय होगा उसके बाद आपने आना होगा तो संपर्क करके आए। साफ शब्दों में अश्विनी ठाकुर ने कहा कि कर्मचारियों की डिमांड पर विचार किया जाएगा। आप लोग मीडियम को बोलना चाहे आप अपनी स्टेटमेंट दे सकते हैं। फिलहाल अश्विनी ठाकुर ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि लगातार उनकी मांगों पर गौर किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ इस समय इकट्ठी हुई है और कर्मचारी लगातार अपनी डिमांड को लेकर एनजीओ फेडरेशन के अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर से मिले रहे हैं। आश्वासन नहीं मिला है भारत के।